www.jamiamadniajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. इस मुल्क में जो यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा हुआ है, कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है, इसने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया। ये गंदे पानी का गंदा पानी है, ये गटरों का पानी है, ये फैक्ट्रियों के केमिकल और जहर आलूद पानी है जो हमारी नस्लों के दिमाग और दिलों को तबाह और बर्बाद कर चुका है। ओके, वो इल्म निकाल लिया गया यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो आसमान से उतरता है, वो पानी कुरानी दीनी इस्लामियात कुरान के मजामीन अकायद सब निकाल दिया। अब काफिरों के और शैतानों के मजामीन वो पढ़े पढ़ाए जाते हैं, सिवाय जहालत के कुछ भी नहीं है। इंजीनियर है तो वो नालायक तैयार हो रहा है, उससे इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे हैं ना, वो इन दिन तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन इंजीनियर भी तो अच्छे पैदा कर दो, वो भी बेकार नालायक। डॉक्टर अच्छे पैदा कर दो, नालायक। वकील अच्छे पैदा कर दो, नालायक। आपने देखा नहीं वकीलों ने तो हल्ले बोले, इधर धावा बोला उधर धावा बोला और जहां चाहे बोल देते हैं। ये कहां से है? मदरसों से पैदा हुए हैं वकील। फिर डॉक्टर जो कर रहे हैं अस्पतालों में मरीजों के साथ, क्या डॉक्टर मदरसों से पैदा हो रहे हैं? इस्लामी यूनिवर्सिटी से तो ये पैदा नहीं हो रहे। अस्पतालों का आला अमला छोटा अमला नर्सें, क्या ये दीनी मदरसों से निकल कर आ रही है? फिर ब्यूरोक्रेट्स जज अदालतें फौज में जो तरबियत हो रही है दीनी मजहबी नहीं है, खींच ली उन्होंने। अब गंदा पानी है, उस गंदे पानी से ये दरख्त सैराब हो रहे हैं, इंसानी दरख्त बीमार, दिल दिमाग को उसने इनके तबाह कर दिया। सियासतदान अक्सरियत सियासतदानों की सबकी ले लें, कौन है जो दीनी मदरसे से निकला है सिवाय चंद के? और जो दीनी मदरसे से निकल कर सियासत में आए हुए हैं उनकी सोच उनकी गुफ्तगू उनकी दलील और इनकी दलील में जमीन आसमान का फर्क जाहिल भी महसूस करते हैं, जाहिल भी।